बाद है बड़े बड़े क्रिटिक्स तरुण आदर्श कोमल नाटा बड़ी बड़ी पिक्चर का इंतजार करते हो, पोस्टर का रिव्यू करते हैं, जरा सा कुछ ग्लिम्स आ गया तो भी कर देते हो। इसका मतलब ये कि आपको पैसा चाहिए। फैसल खान भी कोई छोटा मोटा एक्टर नहीं है भाई, आमिर खान का भाई है। और कहते हैं ना, पहले किसी ने सपोर्ट नहीं किया क्रिटिक्स ने कुछ ने, लेकिन मतलब भाई का, दादा का, बाप का, फैसल तेरा बदला जरूर लेगा। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, September 3rd, 2021 को फैजल खान की फिल्म रिलीज़ हुई फैक्ट्री। हमारे साथ में आ गए हमारे क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी, उन्होंने ये फिल्म देखी है। हम उनसे जानेंगे कि उनको फैक्ट्री कैसी लगी। बहुत बहुत स्वागत है टू बॉलीवुड प्रेमी विजय जी, कैसी लगी फैक्ट्री? सबसे पहली बात यह है कि पिक्चर तो बहुत ही छोटी बनाई है, 1.5 घंटे की। ओके, तो इसमें बोरियत होने का कोई सवाल नहीं, मज़ा ही आएगा। हालांकि पिक्चर बहुत सुपर हिट नहीं है, पर एवरेज है। ओके, जितने बजट है वही सबसे पिक्चर अच्छी बनी है। जो रूली जो कैरेक्टर है उसका भी काम अच्छा है, रूली रेयान नई लड़की फैसल ने। हाँ, फैसल ने काम बहुत अच्छा किया। इतने साल बाद आने के बाद भी ऐसा लगा नहीं कि कहाँ गायब हो गए थे, अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया। और इसमें एक खासियत अलग सी है कि जब भी वो डायलॉग मारते हैं बीच में अपने एक पुराने गाने गाते, ओके, तो एक नया, कुछ नया मज़ा आया। मतलब चलो कुछ अलग किया उन्होंने, तो एक मज़ा आ गया उसमें। जब भी कोई डायलॉग मार गया तो एक नया गाना आ जाता था, तो ज़रा मज़ा आता था। और एक गाना तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ड्राइडे हो या फ्राइडे हो, माला दारू पाई जी। अगर पिक्चर का प्रमोशन बहुत अच्छी तरह किया जाता तो ये गाना मतलब सैरट जैसा धमाल मच जाता। ओके, और पिक्चर भी अच्छी है अगर प्रमोशन करते तो। या थोड़ा मार खा गया। क्यों मार खा गया? क्योंकि सपोर्ट नहीं है, मतलब उनके ऊपर किसी का गॉडफादर का हाथ नहीं है, यहाँ पर ये मार खा गई। और सबसे बड़ी बात है, बड़े बड़े क्रिटिक्स तरुण आदर्श, कोमल नाटा, KRK, ये उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया भाई? बड़ी बड़ी पिक्चर का इंतज़ार करते हो, पोस्टर का रिव्यू करते, जरा सा कुछ ग्लिम्स आ गया तो भी कर देते हो, तो इसका क्यों नहीं किया आपने? इसका मतलब ये कि आपको पैसा चाहिए। आखिर में यही बात होगी ना, इनको पैसा दो तो काम करेगी। फैसल खान भी कोई छोटा मोटा एक्टर नहीं है भाई, आमिर खान का भाई है। आपने मेला में उसका काम देखा है, आप बोल सकते हो ये कहाँ गायब हुआ था, क्या हुआ था। एटलीस्ट से पिक्चर का प्रमोशन तो कर सकते हो ना आप। पिक्चर देखी अच्छी है बुरी आप बोलो ना, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडस्ट्री में गॉड फादर होना ज़रूरी है। एक बात सच्ची हो गई, आउटसाइडर देखो आउट हो जाती। सुशांत सिंह राजपूत, सिद्धार्थ मल्होत्रा, बालिका मधु के दो तीन एक्ट्रेस, जहाँ तक देखा है जो आउटसाइडर है ना, इनको ये लोग ख़त्म करते थे। ओके, जैसे फैसल ना गॉडफादर नहीं है तो ये हाल है। अगर उसकी जगह पे आयुष देखो आ रहा है, कैसा प्रमोशन हो रहा है, हो रहा है ना प्रमोशन। यस, ये बात है, गॉडफादर होना ज़रूरी है। या तो फिर आप पैसे दो तो क्रिटिक्स आपकी तारीफ करेगी, ये बात हुई है। पब्लिक का सपोर्ट मिल गया है, पब्लिक का सपोर्ट मिला, बहुत मिला। यस, बहुत मिल रहा है। और अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा डायरेक्टर होगा, OTT प्लेटफॉर्म अगर ले गए तो इनकी भी पिक्चर सुपर हिट होगी। फैसल खान में अभी भी दम है। हाँ, और कहते हैं ना, भले किसी ने सपोर्ट नहीं किया क्रिटिक्स ने कुछ ने, लेकिन वो उनका डायलॉग भी है मतलब भाई का, दादा का, बाप का, फैसल तेरा बदला जरूर लेगा। क्या बात है, क्या बात है विजय जी, क्या बात है। तो फैजल खान का काम अच्छा लगा? बहुत अच्छा काम लगा। हाँ, अच्छा काम लगा। डायरेक्शन कैसा लगा? उन्होंने डेब्यू डायरेक्शन ने अच्छा किया है, अच्छा डायरेक्शन किया, कोशिश तो की। ओके, चलो माना बड़े स्केल में नहीं, लेकिन ठीक है ना। ओके, उनको अच्छी स्टोरी मिलेगी, अच्छा डायरेक्टर मिलेगा, अच्छा प्रमोशन करने वाला गॉडफादर मिलेगा, तो ये बोलते धमाका मचा देगा। महाराष्ट्र में थिएटर बंद है, बहुत अफसोस की बात है। महाराष्ट्र में थिएटर बंद है, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि पिक्चर रिलीज मत कीजिए या OTT भी दीजिए। थिएटर बंद है, बहुत बड़ा नुकसान है। आज फेस्टिवल आ रहा है, माउंट मेरी पूरा बंद है। यस, कितना नुकसान हो गया, गणपति आ रही है, बहुत नुकसान है। आज माउंट मेरी फेस्ट है, फेस्ट है, लेकिन देखो पब्लिक है, ये चर्च बंद है, इनका धंधा मार खा गया। आप पूछ सकते हैं किसी को भी, नहीं तो आज के दौर में इतना धंधा होता है उनका, आप पूछ सकते हैं किसी को भी, देखो कितना धंधा होगा उनका। परसों गणपति है, वो भी बंद है। ये माहौल है फेस्टिवल का, तो कब ये सब खुलेगा? सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों, हर जगह तो खुला हुआ है, बाकी तो सब चालू है, सब चालू, हर चीज़ चालू है।
चर्च, मंदिर, मस्जिद, थिएटर, ये बंद करके क्यों रखा है पता नहीं क्या होगा, उद्योगियों के दिमाग में क्या है पता नहीं। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने भी रिक्वेस्ट किया, कंगना रनौत ने भी रिक्वेस्ट की, कंगना रनौत जो पंगा लेती है उसने भी रिक्वेस्ट की है, हाथ जोड़ के उद्योग जी थिएटर खोलिए, मेरी पिक्चर लग रही है। थिएटर वाले मर रहे यस yes. बात है फैक्ट्री के लिए आउट ऑफ फाइव मैं बोलूंगा एवरेज पिक्चर एवरेज ओके हर एक इंसान को देखने चाहिए इस बंदे ने कितनी मेहनत की okay. और देखे कहाँ था, कहाँ डिप्रेशन में था, क्या था, लेकिन आज देखिए खड़ा हो गया अपने पैरों पर okay. मैंने तो की उसने। आप देखना चाहोगे फैजल खान? अरे एकदम परफेक्ट है वो आज भी। वो कहते मैं बूढ़ा बूढ़ा का यंग मैन है, साइको का कैरेक्टर किया है एकदम मस्कुलस किया और लगता है एकदम क्या बात है। तो हमारे क्रिटिक ऑफ द मासेस फैजल खान को और देखना चाहेंगे, जबरदस्त लगे फैजल खान का कमबैक आफ्टर 20 ईयर्स। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो बिकाऊ क्रिटिक्स है उन्होंने इस फिल्म का रिव्यू नहीं किया है। बड़ी बड़ी फिल्मों का रिव्यू करते हैं क्योंकि पैसा आता है, लेकिन छोटी फिल्मों का इन्होंने रिव्यू नहीं किया। सोलो रिलीज थी ये बॉलीवुड की, उसके सामने फास्ट एंड फ्यूरियस थी। जी हाँ फास्ट एंड फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस का इन्होंने प्रमोशन किया, बड़े बड़े क्रिटिक्स ने ट्वीट्स भी किए, सब कुछ किया, लेकिन फैक्ट्री के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या बोलेंगे पब्लिक को, क्या कहना चाहोगे फैजल खान के लिए? फैजल खान हो कोई भी छोटा एक्टर, उसको सपोर्ट कीजिए। आप पिक्चर तो देखिए पहले, पिक्चर देखने के बाद बोलिए क्या है। ये फैजल खान ने खुद कहा है पिक्चर देखे फ्लॉप है तो फ्लॉप बोले, हिट है तो हिट बोले, इसमें कोई बात नहीं, मुझे सीखने मिलेगा ओके। लेकिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। क्या बात है। तो हमारे क्रिटिक ऑफ द मासेस का यही कहना है कि पिक्चर जाके देखिए पहले, फिर आप बताइए, ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए अपना कि आपको कैसी लगी। और आपके रिव्यू जैसे कि मैंने कहा है कि हम फैजल खान तक भी पहुंचाएंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बॉलीवुड प्रेमी, और हमें कमेंट्स में बताना कि अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी।